हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ एक और अमेजिंग DIY वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं स्किन के बारे में, हेयर के बारे में और हेल्थ के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करने वाली हूँ कि कैसे आप DIY को फॉलो करके घर पे सिर्फ एक इंग्रेडिएंट के थ्रू आप अपने हेयर की केयर, स्किन की केयर और अपने हेल्थ की केयर कर सकते हो। सो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप एप्पल साइडर विनेगर के यूज करके आप अपनी स्किन की केयर, अपने हेयर की केयर और अपने हेल्थ की केयर कर सकते हो। सो नाउ लेट्स बिगिन द वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अब हम वीडियो के साथ आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए। गाइज, मैं जो एप्पल साइडर विनेगर यूज करती हूँ वो है डिसानो एप्पल साइडर विनेगर। इसे यूज करने का मेरा पर्पस आप जानते हैं कि मैं हमेशा नेचुरल चीजें पिक करती हूँ, तो ये एप्पल साइडर विनेगर 100% नेचुरल है और प्योर एप्पल जूस से तैयार किया गया है, वो भी हिमालयन एप्पल के थ्रू। जब भी हम एप्पल साइडर विनेगर का नाम सुनते हैं तो हमें लगता है कि ऑलवेज खाने की चीज, लेकिन जितना ही ये बेनिफिशियल आपकी हेल्थ के लिए होता है उससे कहीं ज्यादा बेनिफिशियल आपके हेयर और आपकी स्किन के लिए होता है। तो आज हम इन्हीं बेनिफिशियल और इसके यूजेस के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कैसे आप इसे घर पे यूज कर सकते हो। आप जानते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर बहुत ही अफोर्डेबल मिलता है, बहुत ही अच्छे प्राइस में आपको कहीं भी मिल जाएगा। एंड अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। क्योंकि मैं इसे यूज करती हूँ तो मैं आपको अच्छे से इसे रिकमेंड कर सकती हूँ कि आप इसे बेफिक्र होकर यूज कर सकते हो। एंड इसके यूजेस बहुत सारे हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि आप इसे हेयर पे कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि मैं ऑलवेज हेयर की ज्यादा बात करती हूँ, तो हेयर पे यूज करने के लिए आप इसे एज अ कंडीशनर यूज कर सकते हो। आपके अगर हेड में डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है या फिर ड्राइनेस की प्रॉब्लम है, ईचिंग की प्रॉब्लम है, आपके बाल रूखे फ्रिजी नजर आते हैं, तो आप एप्पल साइडर विनेगर के यूज करके इन सभी प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हो। इसे कैसे यूज करना है, बालों पे आपको थोड़ा सा वाटर लेना है, 1 ग्लास या फिर हाफ ग्लास, एंड देन आप उसमें 1 से 2 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करोगे, अच्छे से शेक करोगे एंड देन पहले शैम्पू करोगे और उसके बाद इस वाटर से अपने बालों को रिंस करोगे। तो इस स्टेप को फॉलो करने से आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी ये सारी की सारी रिड्यूज हो जाएंगी, सारी की सारी आपके हेयर से गायब हो जाएंगे और आपके बाल बिल्कुल स्मूथ, सिल्की और शाइनी नजर आएंगे। एंड अगर आपको डैंड्रफ की प्रॉब्लम है या आपको फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, तब आप इसे कैसे यूज करोगे। आपको 1 बाउल में 3 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर एंड कॉटन बॉल के थ्रू अपने स्कैल्प पे अप्लाई करोगे। जो भी इन्फेक्टेड एरिया होगा उसे अच्छे से कवर करोगे। 1 घंटा ऐसे ही रखने के बाद अपने हेयर को वॉश कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा एक DIY है, बहुत ही अच्छी एक रेमेडी है जिसमें एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये आपके डैंड्रफ को भी रिड्यूस करता है और आपकी फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे आप इसे अपने स्किन के ऊपर यूज कर सकते हो। सबसे पहले तो आप इसे एज अ टोनर यूज कर सकते हो। टोनर आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है और डीपली आपकी स्किन को क्लीन करता है, यानी कि पोर्स में जो भी पॉल्यूशन, मेकअप, डस्ट फील हो जाता है या बैक्टीरिया की प्रॉब्लम होती है तो उसे रिमूव करता है। इसके लिए आपको 1 बाउल लेना है, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करना है, 1 टेबल स्पून डिसानो एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करना है, अच्छे से शेक करना है। देन आपको 1 कॉटन बॉल लेना है और उसे वाटर में डिप करना है, यानी कि जो सॉल्यूशन आपका है एप्पल साइडर विनेगर का इसमें डिप करते हुए, एंड देन आप अपने पूरे फेस को इससे अच्छे तरीके से क्लीन करोगे। तो इस तरीके से क्लीन करने से आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है और आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहती है। नेक्स्ट, अगर आपकी स्किन में एक्ने की प्रॉब्लम है, पिंपल की प्रॉब्लम है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, झाइयां, सन, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे एज अ सीरम भी यूज कर सकते हो। इसे यूज करने के लिए आपको 1 ग्लास लेना है, उसमें हाफ ग्लास वाटर लेके एंड देन आप 1 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करोगे। जब भी आप एप्पल साइडर विनेगर को यूज करो देन आप पहले बॉटल को अच्छे से शेक कर लीजिए, क्योंकि जो थिक कंसिस्टेंसी होती है वो नीचे चली जाती है। आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह वर्क करता है, तो इसे अच्छे से शेक कर लीजिए, जो भी न्यूट्रिशन है, जो भी एंजाइम्स है वो अच्छे से पूरा मिक्स हो जाए। एंड कोई भी स्प्रे बॉटल लोगे, स्प्रे बॉटल से कोई भी रेमेडी को अप्लाई करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। आप उसमें फिल करोगे एंड देन आप अपने पूरे फेस पे स्प्रे करोगे, हैंड्स का यूज करते हुए अपने पूरे फेस पे स्प्रेड करोगे। तो अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है या आपके फेस पे मिलाजमा वगैरह है या स्किन की कोई भी प्रॉब्लम्स है, रिंकल, फाइन 999, ये बहुत ही जल्दी उसे रिड्यूस करेगा। अगर आप जब इसे रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आप खुद इसका असर अपनी आंखों से देखोगे। तो इस तरीके से आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब बात करते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए कैसे, अगर आप अपना बेली फैट रिड्यूस करना चाहते हैं या फिर आप अपने मोटापे को कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही अमेजिंग सॉल्यूशन है। इसके लिए आपको इसे डेली बेस पे फॉलो करना पड़ेगा। कैसे इसे यूज करना है, 1 ग्लास वाटर में 1 टेबल स्पून डिसानो एप्पल साइडर विनेगर को ऐड करिए, अच्छे से उसे शेक करिए एंड देन आप अपने खाना खाने के 1 घंटे पहले इसे ड्रिंक कर लीजिए। ये आपकी जो एक्स्ट्रा भूख होगी उसको कम करेगा एंड जो आपका वेट होगा उसे धीरे धीरे करके रिड्यूस करेगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन है तो आपको भूख नहीं लगती है एंड ये आपके फैट स्टोर को भी रिड्यूस करेगा। और इसे आप अपने डायबिटीज लेवल को लो करने के लिए भी यूज कर सकते हो। यूज करने के लिए 1 ग्लास में आपको 3 टेबल स्पून एप्पल साइडर विनेगर को डिसॉल्व करना है, शेक करना है एंड देन आप इसे खाना खाने से पहले ड्रिंक कर लीजिए। शाम को और सुबह इसे फॉलो करना है, जिससे आपका जो शुगर लेवल है वो बैलेंस रहेगा। तो इस तरीके से एप्पल साइडर विनेगर के बहुत सारे यूज हैं, जैसे आप चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। जो प्रॉब्लम है आप उस प्रॉब्लम के लिए इसे यूज कर सकते हो। गाइस, ये प्योर एप्पल जूस से तैयार किया गया है एंड इसमें कोई भी अदर इंग्रेडिएंट नहीं है, यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल भी नहीं है जो कि आपकी स्किन को हार्म पहुंचाएगा। एंड ये ब्रांड मैं काफी टाइम से यूज करी हूँ, मेरे पास अदर इसके प्रोडक्ट भी हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, जो कि ऑलवेज मैं रेमेडी में यूज करती हूँ। तो मैं इसलिए आपको एक फेथ के साथ इसे रिकमेंड कर सकती हूँ। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर दिया है, जाइए चेकआउट करिए और आप चाहें तो इसे परचेज कर सकते हैं। सो थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।